बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज टॉपिक है एनर्जी इन वेव मोशन। व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ एक्चुअली ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। वेव जो होती है एक्चुअली ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी करना है कि ये वेव एनर्जी को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, इसके अंदर कितनी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं और उन एनर्जी की पोजीशन एंड टाइम के लिहाज से क्या वेरिएशन होती है, कहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। इसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रही है, कहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, और कहाँ पे मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ जा रही है, और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम टू मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जा रही है, इन तमाम चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि वेव को समझने के लिए कि वेव एक्चुअली क्या होती है और एनर्जी किस तरह से वेव के अंदर ट्रांसफ़र करती है। तो फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, मैंने उसको एक साइड से पकड़ा हुआ है, उसका दूसरा एंड जो है किसी और शख्स ने पकड़ा हुआ है। जब मैं इस तरह से अपने हाथ को जर्क करूँगा तो इसका जर्किंग के दौरान मैं उस स्ट्रिंग को एनर्जी ट्रांसफ़र करूँगा। अब वो एनर्जी उस स्ट्रिंग से मूव करते करते एंड तक पहुँचेगी और जिस बंदे ने हाथ के साथ पकड़ा हुआ है उसको वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसका मतलब एनर्जी मैंने यहाँ से दी, वो वेव की फॉर्म में स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए दूसरे एंड तक पहुँच गई। तो ये जो हमने डेफिनेशन की कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये क्लियर हो गई इस एक्सपेरिमेंट से। तो वो किस तरह से होगी कि जिस तरह से क्या है कि जैसे मैंने उसको जर्क किया तो इस पॉइंट इस तरह की इसके अंदर वेव बन गई। अब ये जो है इनपुट है जो मैंने उसको एनर्जी दी और ये होगा वहां पे ट्रांसफर्ड एनर्जी, मीन फाइनल जहां पे एंड है वहां पे पहुंची वो ट्रांसफर्ड एनर्जी, या उसको आउटपुट भी कह सकते हैं। तो यहां पे इनपुट था, इनपुट मतलब मैंने एनर्जी दी, इसको एनर्जी भी यहां के लिख लेते हैं, इनपुट एनर्जी। इस फॉर्म के अंदर ये वेव क्रिएट हो जाएगी। अब इनके अंदर ये एक हमने डायग्राम ड्रा की हुई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो पॉइंट यहाँ पे शो किए गए हैं ग्रीन लाइन के अंदर, इसको ए का नाम दिया हुआ है, इसको बी का नाम दिया हुआ है। पॉइंट ए के ऊपर टाइम टी वन एंड पॉइंट बी के ऊपर टाइम टी टू। एंड पॉइंट यहाँ पे जो है ये फर्स्ट वेव, इसको वेव ए का नाम दे देते हैं और इसको वेव बी का नाम दे दिया। जो रेड लाइंस के अंदर टू वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, एक वेव ए दूसरी वेव बी, इस पॉइंट के ऊपर टाइम टी वन और इस पॉइंट के ऊपर टाइम टी टू। अब देखना है कि किस तरह से एनर्जी ट्रैवल कर रही है, किस तरह से एनर्जी मूव करेगी। तो इस एनर्जी की ट्रैवलिंग की वजह से यहाँ पर एनर्जी ट्रैवल करना शुरू हुई, इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर जो है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उस वेव के अंदर, जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एलिमेंट जो इस इनके दरमियान होगा, जिसको ग्रीन और ब्लू लाइन के साथ इस डिनोट किया हुआ है, तो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जैसे ही ये ट्रैवल करता हुआ नीचे आएगा इस क्रॉसिंग पॉइंट, पॉइंट बी और टाइम टी टू के ऊपर, क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब तो इससे क्या जाहिर हुआ, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ए गेन एनर्जी, एनर्जी गेन फ्रॉम टाइम टी वन टू T1 से T2 की तरफ जब ट्रेवल करेगी तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सिमिलरली सेकेंड वेव है इस पॉइंट के ऊपर, इसको पॉइंट ए के ऊपर टाइम T1, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब ये जैसे ही वेव या ये एलिमेंट ऊपर की तरफ ट्रेवल करता जाएगा, यहाँ से चलते चलते जब पॉइंट बी और टाइम T2 के ऊपर पहुँचेगा,
इस क्रस्ट के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब एलिमेंट एलिमेंट बी गेन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो क्या है ये जो है T1 से T2 की तरफ जब आएगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, सिमिलरली वेव बी का एलिमेंट टाइम T1 से T2 की तरफ मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो यहाँ ये तो था एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होगी। सेकंड पॉइंट के ऊपर एक और चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है इसकी लेंथ रिलैक्स्ड और स्ट्रेच्ड कब होगी। तो जब इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर होगा, तो दोनों एलिमेंट वेव ए का एलिमेंट एंड वेव बी का एलिमेंट और क्रस्ट पॉइंट के ऊपर इन दोनों की लेंथ जो है ये लेंथ इसके अंदर जो है ये दोनों की रिलैक्स्ड होगी। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के अलांग इन ये जो हम ब्लू लाइन के साथ ड्रा किए हुए हैं क्रॉसिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों की लेंथ स्ट्रेच्ड होगी, वेव ए के एलिमेंट की और वेव बी बोथ एलिमेंट्स की जो लेंथ है एक्स एक्सिस के अलांग क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर टाइम T1 एंड टाइम T2 के ऊपर ये यहाँ पे स्ट्रेच्ड होगी, और दोनों की पॉइंट ए एंड बी वेव ए एंड बी टाइम T1 एंड टाइम T2 हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो इसकी इनकी जो लेंथ होगी वो रिलैक्स्ड होगी। ये तो था कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और कहाँ पे लेंथ एलिमेंट का जो है स्ट्रेच्ड होगा और कहाँ पे रिलैक्स्ड होगा। अब इस इनको देखने के बाद एक ये है कि जब एनर्जी यहाँ से हमने ये भी स्टडी किया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर आगे की तरफ मूव करती जा रही है, तो इसकी मूवमेंट क्या है कि जिस तरह से ये यहाँ से आई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी थी ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, बोथ एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म एंड फाइनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ तक है इसके अंदर हमने इसको क्लियर कर लिया। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी कि जब एनर्जी ट्रांसफर कर रही है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, तो इस ये स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल हम रिलेशन लेंगे, उसके मुताबिक इसको प्रूव करेंगे कि अगर रेट ऑफ जो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ इक्वल रिजल्ट आ जाते हैं, इट्स मीन जो मैंने स्टेटमेंट दी वो करेक्ट है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जब इसकी जो है ये इसका रिलेशन फाइंड करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, अब फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है वो जब हम इसकी पावर फाइंड करेंगे तो वो हमें मालूम होगा कि कितनी फॉर्म के अंदर एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो पावर को फाइंड करने के लिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट टाइम के लिहाज से जो एनर्जी वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो हमारे पास पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों की पावर फाइंड करेंगे, एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की भी और काइनेटिक एनर्जी की भी। तो दोनों अगर सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट दी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड बोथ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म एंड फाइनली टोटल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। अब क्या है कि जब उस एलिमेंट था स्ट्रेचिंग पॉइंट के ऊपर उसका जो मैस है वो क्या होगा कि एट स्ट्रेचिंग पॉइंट
at stretching point mass dm is equal to mu dx. एंड जो हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड यू वाई, ये हमारे पास है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एलिमेंट, स्पीड का इक्वल हो गया. अब वो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है, काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट कर देते हैं तो ये होगा डी के इज इक्वल टू हाफ, अब एम है तो डी एम एंड यू वाई का स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं, हाफ डी एम की जगह ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यू म्यू डी एक्स यू स्क्वायर वाई, जबकि y की हमारे पास वैल्यू होती है u y इज इक्वल टू माइनस y m ओमेगा cos k x माइनस ओमेगा t के. तो इसको हम पुट करते हैं y की वैल्यू को इसके अंदर तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा d k इज इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स इंटू माइनस वाई एम ओमेगा कॉस एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी होल का स्क्वायर. अब स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो ये होगा डी के इज इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स वाई एम का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी. अब ये रिलेशन आ गया. अब हमने फाइंड करना है पावर या उसके अंदर रेट फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का कि किस तरह से वेरी हो रही है टाइम एंड पोजीशन के लिहाज से. तो ये क्या हो जाएगा डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स ओवर डी टी वाई एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास इसका. अब क्या करना है कि इस रिलेशन को हम फाइनल जो रिजल्ट है इसको यहाँ पे ले आते हैं. स्पेस के कम होने की वजह से ये रिलेशन फाइनल यहाँ पे रहेगा और नेक्स्ट हम नीचे फाइंड करेंगे ऊपर वाले को हम रेज कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे डी एक्स ओवर डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है, इसकी जगह हम वी को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ म्यू v y m ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर k x माइनस ओमेगा t के. ये हमने रिलेशन फाइंड कर दिया काइनेटिक एनर्जी का और इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं. अब नेक्स्ट फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी का. तो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से एलिमेंट स्ट्रेच्ड होता है. अब स्ट्रेचिंग की वजह से वहाँ पे जो उसकी लेंथ होगी वो वेरी करेगी इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए. अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग नॉर्मल या रिलैक्स्ड डिस्टेंस था उसका एलिमेंट का, ये वाई एक्सिस के अलोंग है और डी एल जो स्ट्रेच्ड लेंथ होगी वो इसके इक्वल है. अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डी एल जो है ये हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल शो किया गया है और इस तरह की ये इसकी शेप बन रही है डी एल. तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए
और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डी एल माइनस डी एक्स करेंगे, जो बाकी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काउंट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि डी यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी ऑफ एल माइनस डी ऑफ एक्स। अब यहां पे ये स्लोप है तो स्लोप हमारे पास इक्वल होती है डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये स्लोप का ये डी एल होगा, इसको पुट कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर डी एल की जगह के ऊपर। तो यहां पे हमने देखना है कि रिजल्ट क्या निकलता है। ये आएगा डी ऑफ यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी ऑफ एल की जगह डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर अंडर रूट माइनस डी ऑफ एक्स। अब डी ऑफ यू इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर एफ डॉट डी ऑफ एक्स को कॉमन ले आएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे डी एक्स है तो इसके नीचे आ जाएगा डी वाई और ये डी एक्स भी बाहर आ जाएगा। अब इस लिहाज से इसको जब कॉमन लिया हमने तो ये रिजल्ट बचेगा वन प्लस, इस डेरिवेटिव को पार्शियल में कन्वर्ट कर देते हैं, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन। अब इसको कॉमन लिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो वेव ट्रेवल कर रही थी उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल था, अब स्मॉल एम्पलीट्यूड की वजह से जो स्लोप बनेगा वो भी स्मॉल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म बहुत स्मॉल हो जाएंगी, उसको नेग्लिजेबल हो जाएंगी, इसलिए बाइनोमियल अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है वन प्लस जेड की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन जेड प्लस डैश डैश डैश। इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो ये हमारे पास इक्वल होगा डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वन प्लस वन बाय टू, ये वन बाय इसका अंडर रूट था तो ये हमारे पास एन वन बाय टू हो जाएगा, तो वन बाय टू पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स का स्क्वायर माइनस वन, इसके इक्वल वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा इज इक्वल टू हाफ एफ डॉट डी ऑफ एक्स पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स का स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास है पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स ये इक्वल है पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स, ये इक्वल होता है हमारे पास माइनस वाई ऑफ एम के कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के। तो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डी ऑफ यू इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम है टी भी साथ, डी ऑफ टी भी इसके साथ करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई टू एफ डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ टी, और इसकी जगह पुट करेंगे माइनस वाई एम के कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जब इसको फाइंड किया आगे क्या करेंगे डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास v के, तो यहाँ पे पुट करेंगे हाफ f ऑफ v, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी डी एक्स ओवर डी टी की ये आएगा वाई एम का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे k का स्क्वायर काज का स्क्वायर के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टी।
यहाँ पे क्या करना है, अब जो एफ है ये हमारे पास इक्वल होता है म्यू वी स्क्वायर के, एफ इज इक्वल टू म्यू वी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा ओवर के, तो ये हो जाएगा म्यू ओमेगा ओवर के स्क्वायर के, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे एफ की जगह, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा इज इक्वल टू हाफ एफ डॉट वी वाई एम का स्क्वायर के स्क्वायर कॉस का स्क्वायर इनटू के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे आ जाएगा म्यू एंड ओमेगा ओवर के का स्क्वायर। अब ये इस के का स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, तो ये फाइनल बचेगा हमारे पास हाफ म्यू एंड ओमेगा स्क्वायर वाई एम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसको ऊपर यहाँ पे इस रिलेशन जो फाइंड हुआ इस पॉइंट के ऊपर इसको ले आते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल हमारे पास डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ म्यू, और यहाँ पे ये वी था म्यू वी वाई ऑफ एम का स्क्वायर वाई ऑफ एम का स्क्वायर एंड का ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू। अब क्या है कि फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी, काइनेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हमने स्टेटमेंट दी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज एनर्जीज द मैकेनिकल एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट या वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, तो वो स्टेटमेंट ये मैथमेटिकली रिजल्ट के साथ प्रूव हो गई। तो यहाँ पे जो था अब इसका जो ओवरव्यू इस टॉपिक का था, इसके अंदर हमने स्टडी करना था ये जो है एनर्जी इन वेव मोशन, के वेव के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रेवल करती है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली थ्रीटिकली एंड मैथमेटिकली हमने प्रूव किया। इस प्रूव के मुताबिक जब हम उसको एनर्जी देते हैं इनपुट की फॉर्म के अंदर या वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो उस वेव के अंदर टू फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में, तो इसी तरह से फिर किसी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल रिलैक्स्ड, किसी पॉइंट के ऊपर कंप्रेस्ड। अब इस फिनोमिना को हमने जो टोटल डिस्कस किया इस लिहाज से एनर्जी वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ट्रेवल करती है। अब ये जो टोटल फिनोमिना था ये हार्मोनिक ऑसिलेशन के बिल्कुल रिलेट करता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर एक मेन एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है हार्मोनिक ऑसिलेशन के और इसको अगर कंपेयर करते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं होती, वेरी करती रहती है, जिस वजह से किसी पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र या एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है वो ज़्यादा होती है, किसी पॉइंट के ऊपर कम होती है, वेरिएबल होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती। वो क्यों होता है कि जिस तरह से ये वेव है ये इस तरह से ट्रेवल कर रही है, अब इसका ये एलिमेंट इसका ये एलिमेंट यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ये जो है रिलैक्स्ड है, यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर स्ट्रेच्ड है, अब ये स्ट्रेच्ड या इसके इस एलिमेंट के साथ यहाँ पे भी एलिमेंट है यहाँ पे भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एनर्जी देता है कि एक एलिमेंट था यहाँ पे ये एलिमेंट इसने एनर्जी दी इसको दी फिर इसने इसको दी, इस तरह से एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है।
तो जिस तरह से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ये नेक्स्ट को ज़्यादा एनर्जी देगा। अब यहाँ पे वो किसी पॉइंट के ऊपर उसके साथ वाले पार्टी जो एलिमेंट है उसकी एनर्जी कम है वो कम देगा। तो इस तरह से हर पॉइंट टाइम टू टाइम एंड पॉइंट टू पॉइंट उसकी एनर्जी वेरी करेगी, जिस वजह से हम इसके अंदर उसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती और हर पॉइंट के ऊपर एनर्जी वेरिएशन एनर्जी के अंदर होती है। ये था मेन डिफरेंस हार्मोनिक ऑसिलेटर की रिलेशन के अंदर एनर्जी की मोशन की और इस वेव के अंदर एनर्जी की मोशन की। तो ये टॉपिक था हमारा और यहाँ तक इसको हमने क्लियर किया। नेक्स्ट इसका है इंटेंसिटी और पावर, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं और उसको देखने के लिए उसका लिंक जो है उस लेक्चर का मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।